आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बढ़िया आलू मटर का पुलाव। एक मसालेदार पुलाव है जिसे हम सर्व करेंगे मेथी और खीरे के रायते के साथ। और ये जो मेथी खीरा का रायता, मसाले वाले आलू मटर का पुलाव, ये मेरे घर की रेसिपी है। अक्सर गर्मियों की छुट्टी के अंदर ना, दोपहर के अंदर कुकर भरकर ये पुलाव बनता था, रायता के साथ सर्व होता था, सब खाते थे, उसके बाद बड़ी मीठी नींद आती थी, आराम से कूलर की ठंडी हवा में हम सोते थे। वाह, क्या दिन थे। तो चलिए उन्हीं दिनों की यादें को रिक्रिएट करते हैं। आपके साथ मैं शेयर करता हूँ मेरे घर की रेसिपी आलू मटर पुलाव, साथ में खीरे मेथी का रायता। इस पुलाव को झटपट तैयार करना है जी। तो सबसे पहले प्याज को हम स्लाइस कर लेंगे, और क्योंकि प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, मोटा मोटा आप काट सकते हैं या फिर रफली चॉप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, कढ़ाई गरम करनी, अब आपकी इच्छा है, तेल भी डाल सकते हैं या फिर घी भी। अब घी को मेल्ट होने दो जी, अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे मसाले। घी गरम है, इसमें थोड़ी सी हींग छोंकेंगे, साथ ही खड़े मसाले। मम्मी कहती हैं कि पुलाव के अंदर मोटी इलायची बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी डालो ना डालो, मोटी ज़रूर डालना। हमने बोला जी ठीक है, डाल देंगे। तो हो गया जी ये हरी इलायची, अब इसके अंदर जाएगा जीरा, जीरे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, और हमारा ये खास इंग्रेडिएंट सौंफ। सौंफ देगा इसको एक बढ़िया खुशबूदार फ्लेवर। इसी के अंदर जी प्याज, लहसुन और अदरक, नेक्स्ट टाइम आप नाइस। सारा काम हाई फ्लेम पे होना है, और ये बढ़िया चकाचक पुलाव जो बन रहा है ना, ये मिनटों में तैयार होगा। अब देखिए प्याज को हल्का सा भूरा करना है, तो जब तक प्याज भूरा हो रहा है हम काटेंगे टमाटर। ये देखिए टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा काटना है, परफेक्ट यूं। अब हम मिर्चों को यूं काट लेंगे 1/2, और ये मिर्च जाएगी प्याज के अंदर। हम काटेंगे आलू को भी। अब आलू को यूं बड़े बड़े डाइसेस में काटना है, परफेक्ट। आलू की मात्रा आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आलू आपको कम रखकर कोई सब्जी डालनी है इस स्टेज पर आप उसे तैयार कर सकते हैं। आलू के साथ सब्जी भी पक जाएगी, बढ़िया टेस्ट देगा। ओके जी, कटिंग चॉपिंग हमारी हो गई है, प्याज भी ऑलमोस्ट तैयार। वो जो सौंफ, मोटी इलायची और मिर्च डाली है हमने, क्या बढ़िया खुशबू दे रही है, अमेजिंग। ओके जी, ये देखिए प्याज ब्राउन नहीं हुआ, जैसे कहते हैं ना सुर्ख हो गया, पिंक हो गया, बस इतना ही रखना है। तो इसी स्टेज में हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के साथ इसमें जाएगा थोड़ा नमक, साथ ही इसके ऊपर जाएगी थोड़ी हल्दी, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और हाँ ये हमारा स्पेशल रामबाण मसाला, पाव भाजी का मसाला जी। और हाँ, दिल्ली में ना अलग अलग जगहों पर आपको पुलाव की दुकान मिलेगी, या छोटे छोटे स्टॉल से आप स्ट्रीट फूड मिलेगा जो पुलाव बेच रहे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं इसी मसाले का, बताता कोई नहीं। और अगर आपके पास घर पर पाव भाजी का मसाला नहीं है, जो अक्सर हमारे घर में कभी नहीं होता था, तो मम्मी सांभर का मसाला डाल देती है। सांभर का मसाला नहीं होता था, किचन किंग का मसाला, मतलब कोई भी फ्लेवरफुल मसाला इसके अंदर चल जाएगा। ना हाई हीट पे इसे हम घुमा देंगे। टॉप सीक्रेट रेसिपी बता दी आपको मैंने आज, इनफैक्ट टॉप सीक्रेट रेसिपी का टॉप सीक्रेट मसाला। क्विक स्टर फ्राई देना ताकि टमाटर थोड़ा सा पक जाए, जस्ट अ लिटिल, सो 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर जी हमारे आलू महाराज, मिक्स दिस अप। ये देखिए ना, आलू को हमें 3-4 मिनट तक भूनना है, और भूनते भूनते इसमें मैं डाल रहा हूँ साबुत कसूरी मेथी, उसको पाउडर नहीं किया मैंने, साबुत ही डाल दिया। आप तो जानते हैं आलू मेथी का जो कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड फेमस है,
आलू और मेथी, तो पुलाव में भी बहुत ही बढ़िया वो रंग लाती है। नाइस, वाह क्या खुशबू आ रही है, सब्जी का रंग रूप तो बहुत ही बढ़िया है। ओके जी, अब इसमें हम डालेंगे मटर। मटर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि बाद में मटर पकेंगे, और इस वक्त आलू भी कच्चे ही हैं, ज़रा से ही पके हैं। ये देखिए चावल हमारा रेडी है जी, लेकिन उससे पहले जितना चावल था उसका 1.5 गुना पानी हम कप वाइज डालेंगे, बिल्कुल तोल के किया हिसाब किताब। ठीक है, आप घर पर चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी वैरायटी का राइस आपके पास है वो कितना पानी पीता है। अगर आप जैसे मोटा सेला गोल्डन सेला लेते हैं वो करीबन 1 कप चावल होगा तो ऑलमोस्ट 2, 2.5 कप पानी भी पी सकता है। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर 1 कप चावल के अंदर 1.5 कप पानी जाता है। इसे हमें बॉईल करना है और एक बार पानी में उबाल अच्छे से आ जाएगा तब चावल डालेंगे। क्या खुशबू आ रही है यार, ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा भीगा हुआ राइस था, बासमती राइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका पानी निकाल देंगे और ये जाएगा उबलते हुए इस मिक्सचर में, सब्जियों में, ऑल ऑफ इट, सारा का सारा चावल, एक दाना नहीं छोड़ना, नो वेस्टेज। इसी के ऊपर हम ज़रा सा नींबू को निचोड़ेंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ा पुदीना और धनिया, हल्का सा स्टर ताकि ये मिक्स हो जाए, बड़े हल्के हाथ से करना है। अब देखिए चावल डालने के बाद ना नमक दोबारा से आप डाल लीजिए, थोड़ा सा यूं पानी जो है चावल का उसको टेस्ट करिए, नमक कम है बढ़ा दीजिए। अब देखिए चावल डालने के बाद ना कभी भी गैस हल्की नहीं करते, हमेशा तेज़ रखते हैं ताकि उसके अंदर जल्दी से एक बॉयल आए। अब क्योंकि हमारा पानी ऑलरेडी उबल रहा था तो ये प्रोसेस देखिए कितना जल्दी हो गया। ऐसा करने से चावल जो है वो क्लम्पी नहीं होगा, ज़्यादा स्टार्च नहीं अपना छोड़ेगा, खिला खिला निकलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब नींबू क्यों डाला इसमें, नींबू से क्या होता है, नींबू जो स्टार्च है जो चावल की मांडी होती है उसे काटता है, अगेन चावल खिला खिला निकलेगा, बढ़िया लगेगा, जब आप परात पे डालेंगे कणकण अलग होगा तो खूबसूरत भी लगेगा, खाने में मज़ा आएगा। उबाल आ गया, अब गैस को करेंगे हल्का और इस पे जाएगा ढक्कन, बिल्कुल हल्की आंच, और इसे हम पकने देंगे जब तक कि पूरा का पूरा पानी चावल सोख ले लेता। अच्छा परफेक्ट जी, तो हमारे आलू मटर पुलाव तैयार हो रहे हैं। अब इसके साथ हम सर्व करेंगे एक खीरा और मेथी का रायता जिसके अंदर मेथी को छौंका जाएगा, इंटरेस्टिंग है, बनाते हैं। हमारे स्पेशल रायता के लिए हम लेंगे कसूरी मेथी, ज़्यादा नहीं क्योंकि कड़वी होती है, और उसके अंदर हम डालेंगे पानी। आइडिया इज कि इसको हम थोड़ा सा भिगो लें ताकि जब इसका छौंक लगे तो ये जले ना, यूं पानी में भिगा दीजिए, 5 मिनट इसको भिगोना है, दैट्स इट, परफेक्ट। अब रायता में छौंक लगाने के लिए आप घी का भी या ज़रा सा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ आर गुड। ऑयल गर्म है, इसमें डालेंगे ज़रा सी हींग और हम लेंगे हमारी ये मेथी, पानी छान लिया और मेथी को हल्की आंच पर हम ज़रा सा भून लेंगे। ध्यान रहे मेथी जले ना, वैसे तो भीगी हुई थी, पानी पिया हुआ था तो जलेगी नहीं, सो 30-40 सेकंड के लिए हल्की आंच पर भून लीजिए। परफेक्ट, इसी के साथ थोड़ी हरी मिर्च, नमक, काला नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर और भुने जीरे का पाउडर। अब इस पर हम डालेंगे खीरा। नाउ खीरे को पहले टेस्ट करके देख लीजिए, कड़वा ना हो, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। और अब पतली साइड से छिलके समेत इसे हम ग्रेट कर देंगे। वाह वाह, खीरे का रायता
दिल्ली की गर्मी, कूलर की ठंडक और बढ़िया हमारा आलू मटर का पुलाव रायता के साथ। वाह क्या कॉम्बिनेशन है जी। साथ में मैंगो लस्सी और क्या चाहिए। ये देखिए बढ़िया खीरा और मेथी के छोंक वाला रायता तैयार। रायता तैयार है, पुलाव भी तैयार है, इसे खोलते हैं। और हमारा आलू मटर पुलाव बढ़िया रायता के साथ तैयार है। ये आपके लिए, मैं तो कढ़ाई से खाऊंगा।